तो मम्मी ले रही हैं सब्जी और मैं यहाँ पे अपने वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीच आई वॉन्ट टू नो कि ये जो बैटरी मैंने परचेस करी है डिजिटेक की, उस बैटरी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी आती है व्हेन कंपेयर टू द कैनन की स्टॉक बैटरी। आई एम एट अ सब्जी मंडी मार्केट। हाय देयर, मेरा नाम फ्लोरेंस है, आप देख रहे हो टेक फेस। और अगर आपके पास में एक DSLR है और अगर आपको उस DSLR के लिए एक नई बैटरी परचेस करनी हो तो दिस इज द वीडियो फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट बैटरी शुड यू बाय, द चीप वन और द एक्सपेंसिव वन। एक्चुअली अगर आपको अपने DSLR के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी परचेस करनी हो तो आपके पास में होते हैं टोटल मिला के दो रस्ते। पहला होता है कि आप ओरिजिनल बैटरी परचेस कर लें, जैसे कि कैनन हो गया, निकॉन हो गया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। और दूसरा रास्ता वुड बी टू बाय और सेल्फ अ थर्ड पार्टी की बैटरी, जैसे कि हो गई बैटरी ऑफ डिजिटेक, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती हैं। शैडो भागो यहाँ से। तो ऐसे मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझको बस इतना जानना है कि 3000 रुपये की जो बैटरी है कैनन की, उसका कंपैरिजन कैसा होगा विद दी 1100 रुपये की डिजिटेक की बैटरी। यानी कि ये बैटरी और ये बैटरी का कंपैरिजन के अंदर कौन सी बैटरी विल लास्ट लॉन्ग / किस बैटरी का बैटरी बैकअप ज़्यादा है, दैट इज इट एंड पीरियड। अब ये काम करने के लिए आई विल हैव टू टेस्ट द बैटरीज। तो मैंने दोनों बैटरीज को करा फुल चार्ज फ्रॉम द कैनन का ऑथेंटिक ओरिजिनल चार्जर विच आई हैव फ्रॉम द कैमरा। तो वहाँ से मैंने बैटरीज को चार्ज करा, जब एक एक करके बैटरी फुल हो गई, मैंने बैटरीज को बाहर निकाला, अपने DSLR के अंदर बैटरी को लगाया और अपनी बैटरी से 1080 पिक्सल की 60 FPS की फुटेज को रिकॉर्ड किया, जस्ट टू सी कि इस बैटरी में कितनी देर रिकॉर्डिंग हो रही है और इस यानी कि डिजिटल की बैटरी के अंदर कितनी देर रिकॉर्डिंग हो रही है। अगेन एक बात काफ़ी क्लियर है, ये वाला वीडियो कहीं से कहीं तक भी स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके खरीदी है बैटरी। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग जस्ट टू बी श्योर कि अगर मुझे अगली बैटरी परचेस करनी होगी तो क्या मैं अगली बैटरी ये परचेस करूंगा या ये परचेस करूंगा, बिकॉज ये तो खरीद ही चुका हूं। वैसे एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर बात करते हैं ऑन पेपर बैटरी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो कैनन की बैटरी है ना, ये है 1040 mAh की, वहीं पर जो डिजिटेक की बैटरी है, जो सस्ती बैटरी है, उसके अंदर जो स्पेक्स हैं बैटरी के वो हैं 1250। यानी कि देखा जाए तो ऑन पेपर दिस बैटरी इज 210 mAh मोर देन दिस बैटरी, मतलब बिगर देन दिस बैटरी। लेकिन सब कुछ तब मालूम पड़ेगा हमें जब हम प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। तो बिना किसी देरी के, यू वेट फॉर अराउंड 1-2 seconds, आई विल बी गॉन फॉर 1-2 hours एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज विद द प्रॉपर रिजल्ट्स ऑफ दीज टू बैटरीज, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि जब आप अगली बैटरी अपने लिए परचेस करें, यू विल बिकम एब्सोल्यूट श्योर कि आपको परचेस करनी है सस्ती वाली बैटरी या महंगी वाली बैटरी। आई होप डिजिटेक डजंट वॉच माई वीडियो, बिकॉज इफ दे डू दे विल जस्ट सू मी बाई टेलिंग कि अरे हमारी बैटरी को सस्ती बुला रहे हो, पर वो सस्ती आती है तो ये बात है। ठीक है, पीस। Several days later. Now before I tell you about the results, I would want to ask you a favor. अगर हो सके तो guys, please करें वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, जो लाल बटन है उसको करें ग्रे, और नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग करें। एंड अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अमेजोन से, तो हो सके तो मेरी अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करें। यू कैन फाइंड माई अफिलिएट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो हो सके तो प्लीज उसका इस्तेमाल करें। एंड या दैट्स इट, अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। मैंने कैनन की बैटरी को चार्ज किया, उसकी रिकॉर्डिंग करी, मैंने डेटा को नोट किया, एंड व्हेन आई ट्राइड टू चार्ज दिस बैटरी फ्रॉम द कैनन का चार्जर, आई फाउंड आउट कि आप डिजिटेक की बैटरी को कैनन के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते हो। आई वॉज स्टक एंड देन आई रैन टुवर्ड्स द सिटी, मैं भाग के सिटी गया टू फाइंड आउट कि क्या इसका चार्जर मुझे मिलता है। एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड द चार्जर ऑफ डिजिटेक इन द सिटी। ये चेक करा दीजिए फिर। ये चार्ज हो जाएगी तो फ्री रहेगा। हाँ, इसका और बहुत दर्द। हाँ, फ्री नहीं है। चलो, तो ये आया 500 रुपये का एंड इसके अंदर बैटरी हो जाती है चार्ज। आई वॉज प्रिटी सैड कि यार ये एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। हालांकि देन आई फाउंड आउट कि आप इस चार्जर से अपने कैनन की ओरिजिनल बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो पहले से चार्जर था तो अब ये
एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, टोटल मिला के मेरा 1600 रुपए खर्चे हो चुके हैं अभी तक, एंड दैट वाज द ओवरऑल थिंग। अब आता है मेन क्वेश्चन कि विच बैटरी डिड लास्ट लॉन्ग इन योर टेस्ट ऑफ 1080p 60fps वाला रिकॉर्डिंग। तो उसका आंसर है कैनन की बैटरी डिड 77 मिनट ऑफ रिकॉर्डिंग, वहीं पर डिजिटल की बैटरी डिड 120 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां पर क्लियरली विजिबल है कि जो कैनन की बैटरी है वो हार गई थी, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि कैनन की बैटरी वॉज बेसिकली अराउंड 3 ईयर्स ओल्ड और बैटरीज जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वीकर होने लगती है, एंड हेंस आई कुड से कि जो कैनन की बैटरी है वो यूज करते करते काफी ज्यादा वीकर हो चुकी होगी। लेकिन नेवर्थलेस अगर उस बात को हम भूल जाते हैं और फोकस करते हैं सिर्फ आज के डेट के बारे में, तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड इन द बैटरी ऑफ माई DSLR। मतलब कि एक बैटरी मेरे को चाहिए थी एक्स्ट्रा की, तो रादर देन इन्वेस्टिंग अ 3100 रुपए की बैटरी, आई बॉट माई सेल्फ अराउंड 1600 रुपए का सामान, एंड दिस इज सर्विंग मी ग्रेट। तो ये हो गई मेरे वीडियो की बात। अब देखना ये होगा कि जैसे मेरी कैनन की बैटरी चली हुई है 3 साल तक और चलती ही जा रही है, वैसे ये वाली बैटरी कब तक चलेगी, पर ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए ये वाला वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप ओरिजिनल बैटरी परचेस करेंगे यानी कि निकॉन की, कैनन की, या विल यू बी गोइंग टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी बैटरी लाइक डिजिटल की बैटरी। सो प्लीज इस बारे में कॉमेंट करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बस। से करवा लो स्पीड करेगी।